गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम फोटो केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे फोटो केमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है, फोटो केमिकल स्मोक इज एन ऑक्सीडाइजिंग स्मोक हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स सच एज ओजोन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फोटो केमिकल स्मोक एक ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होता है जो कि ऑक्सीडेंट्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, जैसे कि ओजोन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एटमॉस्फेयर आर अज्यूम्ड ऑक्सीडाइज थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोकार्बन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, जिसके द्वारा फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोग होता है। ठीक, अब आप आगे देखते हैं। स्मोग, एयर पॉल्यूशन इन लार्ज इंडस्ट्रियल सिटीज आर अर्बेन रेजिन इन इज कॉल्ड स्मोग। तो लार्ज इंडस्ट्रियल सिटीज या अर्बेन रेजिन्स यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो एयर पॉल्यूशन होते हैं उन्हें स्मोग के नाम से जाना जाता है। टर्म स्मोग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स स्मोक एंड फॉग। जो स्मोक टर्म है वो स्मोक एंड फॉग वर्ड से लिया गया है। फिर है एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ स्मोक एंड सॉरी स्मोक आर रिकॉग्नाइज्ड। तो स्मोक को टू टाइप से रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। फर्स्ट है सल्फ्यूरस आर लंडन टाइप स्मोक एंड सेकेंड है फोटोकेमिकल स्मोक या फिर लॉस एंजिलिस टाइप स्मोक। तो फर्स्ट देखते हैं सल्फ्यूरस स्मोक। इट रिजल्ट फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्सीडाइज सॉरी सल्फर ऑक्साइड्स इन द एयर। एयर में सल्फर ऑक्साइड के हायर कॉन्सेंट्रेशन के कारण सल्फ्यूरस स्मोक होता है एंड इज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ सल्फर बेरिंग फॉसिल फ्यूल्स पार्टिकुलरली कॉइल। यानी कि सल्फर के फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयले के कारण सल्फ्यूरस स्मोक होता है। फिर है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट फोटोकेमिकल स्मोक जो है पॉल्यूटेंट्स का मिक्सचर होता है दैट आर फॉर्मे व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट टू सनलाइट। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, सनलाइट जो है कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है तो फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब होते हैं जहाँ पर हाई वेपर प्रेशर में रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, जैसे कि बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथिलीन क्लोराइड, टॉलुइन, जाइलीन आदि जो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर है क्रिएटिंग अ ब्राउन हैज अबोव सिटीज और शहर के ऊपरी हिस्सों में भूरे कलर का हमें धुंध या फिर धुआं दिखाई देता है। फिर है इट टेंड्स टू ओक्यूर मोर आफ्टर इन समर। यह गर्मियों में अधिक दिखाई देता है बिकॉज दैट इज वेन वी हैव द मोस्ट सनलाइट, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक होती। स्मोक इज द मिक्सचर ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्मोक जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सम सल्फर कंपाउंड्स इन द ईयरली मॉडलिंग। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। ईयरली मॉडलिंग जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होता है आफ्टर सनराइज नाइट्रोजन ऑक्साइड डिसअपीयर एंड सनराइज के साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड डिसअपीयर हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपीयर। फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 दे रहा है। दिस रिएक्शन मेक्स डिप्लेशन ऑफ ओजोन विच इज रिजनरेटेड बाई द रिएक्शन विथ ओ एटम्स। यानी कि ओ एटम एंड ऑक्सीजन मॉडरेट
एंड ओजोन का फॉर्मेशन करता है। फिर है हाइड्रोकार्बन्स इन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एटमॉस्फियर आर अज्यूम्ड टू गेट ऑक्सीडाइज थ्रू अ सीरीज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि एटमॉस्फियर में हाइड्रोकार्बन इन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडाइज होते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ सनलाइट। ये जो है सनलाइट के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते बट रिएक्ट विथ फोटोकेमिकली फॉर्मेड स्पीसीज। परंतु यह यदि फोटोकेमिकली स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है तो यह रिएक्ट कर लेता है। फिर है हाइड्रोकार्बन क्लासिफाइड इन एटमॉस्फियर आर मेथेन एथेन एथिलीन प्रोपेन एन ब्यूटेन आइसो पेंटेन ईटीसी। ठीक, मतलब कि एटमॉस्फियर में हमें हाइड्रोकार्बन के रूप में मेथेन एथेन एथिलीन प्रोपेन एन ब्यूटेन आइसो पेंटेन आदि मिलता है। फिर हाइड्रोकार्बन आर रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फियर बाई सर्वल केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। मतलब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वे केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा रिमूव्ड होते हैं। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स विच हैव बीन केमिकली अल्टर्ड इनटू फर्दर नॉक्सियस कंपाउंड बाय एक्सपोजर टू सनलाइट। तो फोटोकेमिकल स्मोक जो है एयर पॉल्यूटेंट का मिक्सचर होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में नॉक्सियस कंपाउंड्स यानी कि विषैले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। फिर आगे है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एंड PAN मतलब परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक में देखते हैं यहाँ पर है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन या फिर यहाँ लिख सकते हैं RCH2 CH2R। ये जो है फोटोकेमिकली रिएक्शन द्वारा RCH2 रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। फिर ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और RCH2O रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके RCH2ONO2 मतलब एल्किल नाइट्राइट नाइट्राइट का फॉर्मेशन करेगा। और जो एल्किल नाइट्राइट है एल्किल नाइट्राइट जो है RCH2O रेडिकल NO2 का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये जो है O2 के प्रेजेंस में RCHO+HOO ठीक और NO का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर NO का फॉर्मेशन करता है और जो NO है एंड HO मिलकर NO2+OH रेडिकल बनाएगा। और ये जो है RCH3 के साथ मिलकर वापस से रेडिकल बनाएगा। और यहाँ पर
जो हमारा बच्चा है ये एल्डिहाइड, वो ओ एच रेडिकल के साथ रिएक्शन करके आर सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये जो है ऑक्सीजन के साथ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ रेडिकल का फॉर्मेशन करता है एंड ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एन ओ यानी कि पी ए एन। पी ए एन मतलब परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये जो है परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट हमारा बन गया, यही जो है फोटोकेमिकल स्मग है। अब मेन काज ऑफ फोटोकेमिकल स्मग देख लेते हैं। ये है तो स्मोक फॉर्मिंग पॉल्यूटेंट फ्रॉम न्यूमेरस सोर्सेस सच एज फैक्ट्रीज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर व्हीकल आर द टिपिकल कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ स्मोक। मतलब स्मोक फॉर्मेशन जो है पॉल्यूटेंट्स का सोर्स होता है, प्रदूषण का सोर्स होता है, जैसे कि फैक्ट्रीज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या फिर व्हीकल मोटर गाड़ियों से चलने वाले मोटर गाड़ियों से जो प्रदूषित वायु निकलती है उसी से क्या फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। फिर है इन द मोस्ट अर्बेन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में मोर देन 50% ऑफ स्मोग इज फॉर्मेड इन कंसेक्वेंस ऑफ व्हीकुलर इमिशन। मतलब शहरी क्षेत्रों में 50% स्मोग जो है मोटर गाड़ियों के चलने से जो उसे विषैले गैस निकलती है उसके द्वारा होता है। एंड द ऑक्यूरेंस ऑफ स्मोक आर एसोसिएटेड विथ द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर पैटर्न्स एंड हैवी वेदर पैटर्न्स, मौसम की वजह से एंड हैवी मोटर व्हीकल ट्रैफिक इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में जो कल कारखाने हैं उससे निकलने वाले विषैले पदार्थ एंड अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन सब के कारण जो है स्मोक होता है। इसके साथ ही उद्योगों कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुओं एंड पेट्रोलियम ईथर के या फिर पेट्रोलियम ईंधन के निकलने से वातावरण प्रदूषित होता है। अब आते हैं नेचुरल काजेज, इसके नेचुरल काजेज क्या हैं। स्मोक कैन एज वेल एज ओक्यूर ड्यू टू नेचुरल काजेज टेक वोल्केनिक इरुप्शन, वोल्केनिक इरुप्शन एंड सम स्पेसिफिक प्लांट लाइफ इफेक्ट। मतलब कि ज्वालामुखी विस्फोट एंड नेचुरली इफेक्ट के कारण जो स्मोक होता है उसे नेचुरल स्मोक के नाम से जाना जाता है। वोल्केनिक इरुप्शन डिस्चार्ज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर। जो वोल्केनिक इरुप्शन होता है मतलब ज्वालामुखी विस्फोट होता है जिसके कारण वायु में सल्फर डाइऑक्साइड एंड मैटर के कुछ पार्टिकल जो हैं वो हो जाते हैं वातावरित हो जाते हैं, वातावरण में फैल जाते हैं। ये जो है टू प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट फॉर स्मोक फॉर्मेशन, स्मोक फॉर्मेशन की ये टू वो है कंस्टिट्यूएंट्स। फिर है रेडियो कार्बन अमाउंट ऑफ सम स्पेसिफिक प्लांट लाइफ एंड बिलीव्ड टू काज स्मोक इन लोकेशंस, रेडियो एक्टिव कार्बन अमाउंट के कारण भी स्मोक होता है, जैसे कि लॉस एंजलिस में क्रियोसॉट बुश क्षेत्र में स्मोक के जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। फिर है इफेक्ट ऑफ स्मोक
ये देखते हैं कि स्मोक का इफेक्ट किस तरह से पड़ता है। देयर आर सर्टेन सीरियस बेड इफेक्ट ऑफ स्मोक ऑन ह्यूमन लाइफ फॉर स्मोक का बेड इफेक्ट। ह्यूमन लाइफ पर जो स्मोक होता है उसका बेड इफेक्ट पड़ता है। विच आर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एंड मेंशन्ड बिलो। तो फर्स्ट है परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट इज फोटोकेमिकली प्रोड्यूस्ड इन एटमॉस्फियर। परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है एटमॉस्फियर में फोटोकेमिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं। विच इज फोटोटॉक्सिक सब्सटेंट जो कि फोटोटॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। एंड इफेक्ट प्लांट्स हर्ब्स एंड ट्रीज एंड ये जो है प्लांट हर्ब एंड ट्रीज में इफेक्ट करते हैं। PAN विच एक्रोलिन एंड फॉर्मल डिहाइड इज आई इरिटेंट। जो PAN होते हैं जो कि एक्रिलिन एंड फॉर्मल डिहाइड होते हैं ये आई इरिटेंट होते हैं यानी कि आँखों में जलन पैदा करते हैं। स्मोक कंटेंट्स ऑक्सीडेंट्स विच डैमेज रबर एंड अदर पॉलीमर्स। जो स्मोक जो है ऑक्सीडेंट्स होते हैं ये रबर एंड अदर पॉलीमर्स को डैमेज करते हैं। स्मोक रिड्यूस्ड द ह्यूमन विजिबिलिटी। स्मोक जो है ह्यूमन विजिबिलिटी यानी कि ह्यूमन दृश्यता को रिड्यूस करता है कम करता है। एंड स्मोक काज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ये जो है श्वसन संबंधी विकारों के कारण होता है स्मोक। ये था हमारा टॉपिक फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियोस।